केजरीवाल का पंजाब के शिक्षकों से वादा, सरकार बनी तो मनीष तिवारी की किताब में दावे पर बीजेपी ने कहा ये कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा है। दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी, आज सोनिया गांधी से नहीं मिलेंगे जावेद अख्तर से 2 बजे करेंगी मुलाकात। सोनभद्र में अज्ञात बीमारी का कहर जारी, 10 दिन में 14 लोगों की हुई मौत। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 482 अंक टूटकर खुला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के आह्वान पर 14 नवंबर से 24 नवंबर तक चलने वाले महंगाई हटाओ भाजपा भगाओ पदयात्रा कांग्रेसियों ने निकाली। ये पदयात्रा शौरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के संग्रामपुर चौराहे से होते हुए झखिया से संग्रामपुर पहुंचकर खत्म हुई। इस मौके पर कांग्रेस जिला चेयरमैन नादे सलाम ने कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है महंगाई चरम पर है और सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है। महंगाई हटाओ पदयात्रा, जैसे कि हमारी नेता प्रियंका गांधी ने ये आह्वान किया है कि 14 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक हम ये महंगाई हटाओ भाजपा भगाओ पदयात्रा जारी रखेंगे और ये पदयात्रा अभी चल रहा है। आज 22 तारीख है, इसके बाद 24 तारीख तक ये पदयात्रा लगातार चलता रहेगा। पूरे देश में महंगाई से आज किसान, नौजवान, गरीब, मध्यम वर्ग का सब हर व्यक्ति परेशान है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि ये प्रतिज्ञा यात्रा हम 24 तारीख तक चलाएंगे और इस पर अगर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो ये प्रतिज्ञा यात्रा, ये पद यात्रा, महंगाई के खिलाफ यात्रा निरंतर चलता रहेगा। जिस तरह से सरकार 3 कृषि कानून को लेकर पीछे हटी है, लगातार साल भर जो क्या नाम है आंदोलन चलता रहा और उस आंदोलन में 700 किसान लगभग मारे गए और 700 किसान शहीद हुए, उनकी शहादत को हम याद करते हैं और इस सरकार की नाकामयाबी को हम उजागर करते हैं और साथ में हम ये अहद करते हैं कि सरकार को महंगाई के खिलाफ भी पीछे हटना होगा। जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि जब तक ये सरकार जनविरोधी गृह नीतियों से पीछे नहीं हटेगी तब तक कांग्रेस का एक सिपाही एक प्रदेश की योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्ना द्वारा दिए गए बयान को लेकर अयोध्या के किन्ना समाज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोनम किन्ना ने बयान में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को श्राप दिया है, जिस पर समाज सेवी स्वर्गीय गुलशन बिंदु की उत्तराधिकारी पिंकी किन्ना ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इसके बारे में सोनम किन्नर ही जाने, लेकिन किन्नर पूरी दुनिया को आशीर्वाद देते हैं। हमारा आशीर्वाद जितनी ही पार्टियां हैं वो सबके लिए है। सोनभद्र के मेयरपुर विकास खंड के सिंधुर ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य महकमे में तमाम दावों के बावजूद मौत का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 10 दिन में मेयरपुर विकास खंड में कुल 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले 24 घंटे में एक मासूम समेत 2 की मौत हो गई है। प्राइवेट लैब की जांच में मृतकों में मलेरिया की बात आई है, हालांकि स्वास्थ्य विभाग मलेरिया से मौत होने से इनकार कर रहा है। वहीं जब मीडिया की टीम गांव पहुंची तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनंद फानन में मेयरपुर सीएचसी की टीम दवाइयां और जांच किट लेकर गांव में कैंप करने के लिए पहुंच गई है। इसमें जो है मैं जांच करवा रहा हूं, जो इसमें जो भी जिम्मेदार होंगे उनसे जो है जिम्मेदारी तय की जाएगी और बाकी जो मौतों की बात है उसमें पुष्टि पूरी हुई नहीं है कि जो किन कारण से हुई है, इसे जांच के बाद ही पता चलेगा। इसमें अभी चर्चा होगी, अब हम लोग को पता चलेगा कि इसमें क्या कारण है, तो अभी हम लोग आगे इस पर बढ़कर देखेंगे। अगर प्राइवेट लैब से रिपोर्ट आ रही है और
महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में जहां प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय दुबे विकास कार्य करवा रहे हैं, इसी दौरान संजय को किसी जरूरी काम के चलते बाहर जाना पड़ा, जिसके बाद उनके पिता चल रहे विकास कार्यों को देखने पहुंचे। तभी पवन यादव नाम के युवक ने उनके पिता पर गोली चला दी, जो कि संजय के पिता के कपड़ों को छूती हुई निकल गई, जिसको लेकर संजय दुबे ने एसपी से मुलाकात करते हुए आरोपी युवक की गिरफ्तारी नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही खाकी पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। घटना ये है कि 17 तारीख को करीब 9:30 बजे मेरे पिताजी सरकारी जमीन पर सरकारी खाद के गड्ढे बनवा रहे थे, तभी पवन यादव और उसका पिता एक और 3 लोग आए, कारीगर लेबर को गाली गलौज की और फायरिंग करना शुरू कर दी। उसने 4 फायर किए, जिसमें मेरे पिताजी के पैर से बगल से गोली निकल गई। हमने 17 तारीख को एप्लीकेशन दी, FIR दर्ज हुई, 307, 504 और दफ़ा 34 में मुकदमा कायम हुआ। 17 तारीख से आज 22 तारीख तक कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि वो टॉप 10 अपराधी है, जिला बदर हो चुका है एक बार और करीब 18 मुकदमे हैं उसके ऊपर, फिर भी पुलिस ने एक बार भी उसके ना घर छापा डाला। महोबा के पिपरा माफ गांव में सरकारी सेक्रेटरी के किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसकी शिकायत को लेकर पीड़ित ग्रामीण जिलाधिकारी मनोज कुमार के दफ्तर पहुंचे, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, उसके बावजूद उसके कार्रवाई के नाम पर जनपद के अफसर सिर्फ कोरा आश्वासन देकर चुप्पी साधे हुए हैं। मैं प्रशासन को खुला चैलेंज देता हूं, मेरे साथ में ये ग्राम विकास ग्राम प्रधान हमारे पूर्व प्रधान हैं खसीटा अनुरागी जी, इनका स्वयं का कम से कम 7 से 8 लाख रुपए ग्राम विकास में फंस गया है, इनका पेमेंट वो खा गए हैं। ये कल्लू रैकवार हैं श्रीनगर से भगवान दास, इनका 7 मऊ के सराय लखनसी क्षेत्र खानपुर के ग्राम सभा खानपुर में कुछ अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश करते हुए डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे वहां का माहौल बिगड़ने से भारी संख्या में फोर्स की तैनात की गई और इस पूरे मामले पर प्रशासन ने कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज विधानसभा मुहम्मदाबाद गोहाना के अंतर्गत एक ग्राम सभा खानपुर पड़ता है और खानपुर सड़क के किनारे हमारे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इसी तरह दो तीन हफ्ते पहले तेंदुली ग्राम सभा में बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कराया गया। मैं योगी सरकार और मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे बाबा साहब और दलित महापुरुषों के साथ ये अपमान क्यों हो रहा है? आखिर दलित समाज के महापुरुष और दलित समाज योगी सरकार मोदी सरकार का क्या बिगाड़ा है? हम इस अपमान को कतई नहीं सहेंगे, हम आर पार। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कमलेश फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो कमलेश, किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है, जिस तरीके से प्रतिमा की तोड़फोड़ की जा रही है और क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है? जी मैडम, आपको बता दें कि वहाँ डॉक्टर भीम अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई गई थी रात में 12 या 2 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है। आज तक तो किसी ने अंबेडकर भीमराव मूर्ति को आराध प्रतिमा को तोड़ा गया नहीं तो किस किस कारण के चलते ये इस तरीके की हरकत, इस तरीके की शर्मनाक हरकत की गई है? मैम, ये दूसरी बार की गई है और किसी पता नहीं चला, इसके एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले भी ऐसा घटना हुआ था और उस हुआ था तो उसमें जो कार्रवाई हुई थी मैम, इस पे जो है अब तक ऐसा काम और पुलिस जो है FIR दर्ज की है और जो ड्यूटी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। रायबरेली जिला पंचायत के सभागार में आयोजित बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े 18 शिक्षकों का फूल माला पहना कर और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना चौधरी रही।
रंजना चौधरी ने इनोवेटिव आइडियाज के जरिए बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं को प्रशस्ति पत्र दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक शिक्षक परिवार से जुड़ी हूँ, तो इसलिए अगर मुझे शिक्षक कहीं अगर बुलाते हैं, किसी भी कार्यक्रम में बुलाते हैं, तो मैं अपनी उपस्थिति वहाँ पे देना अनिवार्य समझती हूँ, क्योंकि बच्चों के भविष्य के बारे में होता है। वो अच्छी तरीके से माँ बाप तो पालते हैं, ये हम समझते हैं, लेकिन जो शिक्षा उनको स्कूल से दी जाती है, वो टीचरों के माध्यम से दी जाती है, इसलिए के लिए हमारे नज़र में टीचर सबसे सर्वोपरि मानते हैं। इसको भैया हम बहुत अच्छा हमको लगा ये जो हमको सम्मान मिला है, क्योंकि अभी जो भी हम शैक्षिक गतिविधियां कर रहे हैं अपने विद्यालय में या बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो हमको उनको जो बच्चों के लिए मिला है इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि जो हमने बच्चों के ऊपर काम किया है, उनका कहीं ना कहीं आगे सामने हमारा दिखाई दे रहा है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं विद्यालयों में। मैं जिला एडमिन हूँ और इसकी स्थापना 2020 में राष्ट्रपति पदक विजेता डॉक्टर सर्वेश्वर मिश्रा जी ने की थी। वर्तमान में इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में 50,000 से अधिक शिक्षक जुड़े हुए हैं। ये ग्रुप इसलिए बनाया गया है कि जो भी अध्यापक अपनी शैक्षिक नवाचार करता है वो विद्यालय तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे प्रदेश में उसका प्रचार हो, ताकि किसी भी जनपद में बैठा व्यक्ति उससे सीख सके। आगरा के थाना मलपुरा के गांव कबूलपुरा में तालाब में युवक का शव पड़ा मिला, जिसके मौके पर मौजूद लोगों ने घर वालों को सूचना दी। वहीं सूचना पाकर पहुंचे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बता दें कि मृतक युवक के शरीर पर चोट के निशान है। सीओ अचनेरा के साथ थाना मलपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई है। देखिए, ये थाना मलपुरा में चौकी ककुआ क्षेत्र में कबूलपुर गांव पड़ता है। यहां पर नरेश सोना वीर सिंह नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी और अभी पीएम के लिए बॉडी भेज दी गई है, पहचानना कर दिए गए। पीएम के बाद ही हम बता पाएंगे मृत्यु का कारण क्या है। अभी स्पष्ट रूप से कोई ऐसा निशान मार्क अभी तक नहीं पाया गया जिससे हम कह सकें कि काउस ऑफ डेथ क्या है। पीएम के बाद ही पता चलेगा। ये पता चला है कल शाम को काफ़ी नशे में था, शराब पी हुआ था, नशे में था, और आसपास के वीडियो भी फुटेज भी चेक करा रहे हैं कि उसके साथ कोई हो या कोई ऐसी बात हो, तो चेक कर रहे हैं। आफ्टर पीएम ही कोई इसका क्लियर हो पाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता आगरा से ममता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। तो ममता, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से तालाब में युवक का एक शव मिला है, तो परिजनों का क्या हाल है? जी बिल्कुल, कि जिस तरह ये आगरा के थाना मलपुरा के गांव कबूलपुरा का ये पूरा मामला है, जहां तालाब के अंदर एक युवक का शव मिला है, तो वही जो युवक का शव है ना, उस पर चोटों के कई निशान है, तो इसको लेकर के परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। जी, जो हत्या की आशंका जिस तरीके से जताई जा रही है, क्या कुछ ऐसी पहले भी कुछ विवाद चल रहा था कहीं, किसी परिवार ने क्या कुछ ऐसी कोई बात की खुलासा किया है? जी बिल्कुल, जिस तरह की परिजनों के द्वारा बताया गया कि उन्हीं के गांव का जो युवक है, किसी दूसरे लोगों के परिवार के सदस्यों से उनका कुछ विवाद भी चल रहा था, तो इस तरह से जिस तरह की युवक के शरीर पर जो चोट के निशान है, वो साफ तौर से कहा जा सकता है कि पुलिस ने भी जांच की बात कही है, लेकिन परिजनों का साफ तौर से कहना है कि पुलिस ये हमारे जो युवक है उसकी हत्या की गई है। जिस तरह के देखा जा रहा है कि युवक के शरीर पर कई चोटों के गहरे निशान है। क्या जिस तरीके से पुलिस ने सिर्फ जांच की बात कही है या कुछ कार्रवाई भी आगे बढ़ाई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सीओ अचनेरा ने ये जो युवक के शरीर पर जो चोट के निशान है उसको देखते हुए जांच करके कार्रवाई को आगे बढ़ाने की बात की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ममता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो खबर आगरा से थी, जहां तालाब में युवक का शव मिला है। और सोनभद्र के मधुपुर बतारा रोड सहयोग हॉस्पिटल के पास ट्रैक्टर उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में रखे पुआल में आग लग गई, जिससे किसानों में 2 बीघा जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि किसान कमलेश मौर्य मधुपुर बंतरा रोड के रहने वाला है। वो अपनी धान की कटाई ट्रैक्टर से करा रहे थे, तभी अचानक ट्रैक्टर से चिंगारी निकली और किसान का पुआल जलकर राख हो गया है।
सिद्धार्थनगर के बांसी कोतवाली के सहजी का है, जो बोलेरो की चपेट में आने से बाइक सवार साले और बहनोई की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को एम्बुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांसी पहुंचाया है, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक जो है 15 वर्ष का बच्चा जो है विद्यालय से कहीं पढ़ के जो है घर वापस जा रहा था। घर के उसके पास में कोई जैसा सूचना मुझे मिली, पिकअप ने मार दिया है उसका, जो है यहाँ पर हमारे वहाँ लाया गया है, लेकिन वो मृत। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। नमस्कार।